चलो हमारा भी कुछ आने दो। थैंक यू। चला जी पीछे से। ऐसा था मेला इंडस्ट्रियल एरिया में जो बॉयलर से विस्फोट हुआ, उसके बारे में 7 लोगों की वहाँ पर कैसे मृत्यु हुई और 7 लोगों की छुट्टी हुई थी सब खतरे से बाहर। आइंदा बॉयलर की पूरी जांच हो, इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं और ऐसी घटना ना हो। ऐसे ही एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट अगर ये जान बूझकर कोई नहीं कर सकता, ये एक्सीडेंट है और इसकी पूरी जांच के बाद ही कुछ बोला जाएगा। पहले कुछ भी बोलना ये नहीं है कि कोई नेता के पास माइक लगा तो वो खुद ही जांच के बारे में बिना बोल दे। जब जांच के आदेश दिए हैं, जांच होंगे और इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये और भी पुराने वो जांच से पता लगे। भाई एक मिनट रुक जाओ सर। को सर को डबल सर, ये इधर इधर सर सर इधर इधर धन्यवाद सर। भैया क्या बोलना चाहेंगे आज ऑपनिंग इस बारे में? साफ सही हॉस्पिटल खुला है पटना में और इसके देश के अन्य भागों में भी ये पहले से लोगों की सेवा कर रहा है। बड़े पैमाने पर देश के बिहार में आम की परेशानियों से लोग बचे एक अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता है। उससे पहले से बिहार में और पटना में कई हॉस्पिटल कार्यरत हैं और एक नए आयाम के साथ देश में ये हॉस्पिटल आया है तो निश्चित तौर पर लोगों को फायदा होगा और अधिक से अधिक सेवाएं दे सके इसके लिए हमें विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है गरीबों के लिए यहाँ पर 99 रुपया में ही गरीब या आम आदमी से इलाज करा सकेगा। उसका जो फी है वो 99 रुपया ही मात्र है और इसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया निजी हॉस्पिटल में। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि जो गरीब लोग हैं आयुष्मान कार्डधारी हैं उनको लंबे बहुत लंबे काल तक ये लोगों को फायदा हो उपयोगी साबित होगा। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग का वैक्सीनेशन की शुरुआत करने की ऐसे अपने क्षेत्र में किस तरह से प्रचार करें? प्रधानमंत्री के प्रति मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने जो बहुत दिनों से ये मंथन चल रहा था कि 18 प्लस और 18 से नीचे के बच्चों के लिए भी टीकाकरण हो और प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी से उन बच्चों के लिए भी जो 18 से कम उम्र के बच्चे हैं उनको 14 प्लस 18 14 से 18 तक का जो बच्चा है
जो लोग हैं उनको टीकाकरण होगा तो उससे बहुत लाभ होगा। उससे पूरे हिंदुस्तान में हमें लगता है कि 90% लोगों में टीका का डोज पड़ चुका है। और ये भी अपील माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 60+ के लोग हैं उनको बूस्टर डोज, जो रोग से ग्रसित हैं उनका उनके लिए बूस्टर डोज की भी अभियान की शुरुआत की जाए।